हेलो गाइस, यू आर वाचिंग वेबनोटेक। इस वीडियो में देखेंगे कि हम कलर पिकर का यूज़ कैसे कर सकते हैं कैनवा में। सो लेट्स स्टार्ट। चलते हैं अपने डैशबोर्ड में, सर्च करते हैं canva.com। जैसे ही canva.com सर्च करेंगे तो हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। कैनवा डैशबोर्ड पे लॉगिन करने के बाद इसमें हम कलर पिकर का यूज़ करेंगे। क्लिक करते हैं हम किसी इमेज पर, ये आपकी एडिटिंग स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जब आप इमेज यूज़ करते हो तो आप कभी देखते हो कि कोई इमेज यूज़ की है और बैकग्राउंड में आपका कलर एज इट इज़ वही कलर चाहिए जो आपने इमेज में यूज़ किया है, तो हम कलर मैच नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें कलर पिकर का यूज़ करना पड़ता है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए आप किस तरह हम कलर पिकर का यूज़ करेंगे। सपोज करो मैंने ये लोगो ले लिया और बैकग्राउंड में मुझे सेम एज इट इज़ यही कलर चाहिए, बट ये तो एक यूनिक कलर नहीं है, एक सेम कलर है, बट ये लग जाएगा। अगर कोई यूनिक कलर होता है तो आप कैसे लगा सकते हैं, इस क्लियर कलर बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करेंगे एंड इस पर एड न्यू कलर पर क्लिक करेंगे। एड न्यू कलर पर क्लिक करने के बाद ये आपका ये देख रहे हैं ये कलर पिकर है, इस पर सिलेक्ट करेंगे और जो कलर आपको चाहिए उस पर क्लिक करने के बाद उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका एज इट इज़ वही कलर ले लेगा जो हम यूज करना चाहते हैं। दोबारा करते हैं एक बार और सिलेक्ट करते हैं कलर पिकर पे और मैं क्लिक करता हूँ ब्लू पर, तो आपका देखेंगे जो बैकग्राउंड कलर है वो एज इट इज़ वैसे ही हो गया जैसे वर्डप्रेस के लोगों का है। तो आप इस तरह से कलर पिकर का यूज़ करके अपने बैकग्राउंड में जहाँ आप कलर यूज़ करना चाहते हो वैसा आप कर सकते हो। गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।